This program is brought to you by IndianFunkar.com. नमस्कार दोस्तों, मैं लीला तोमर आप सभी से मुखातिब हूँ इंडियन फनकार के इस मंच पर। ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर मेरे जैसे और नए कलाकारों को अपने बारे में कुछ शेयर करने का मौका दिया जाता है। तो मैं भी एज अ सिंगर आपसे अपनी एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि मेरा बचपन संगीत के माहौल में हुआ, मीन्स जहाँ मेरी पैदाइश हुई, पली बड़ी, तो संगीत का माहौल था। मेरे पिताजी, मेरी माँ, भाई, मेरे नाना, दादा, इन सभी को संगीत से गहरा लगाव रहा है। मेरे पिताजी क्लासिकल संगीत सुना करते थे और ख़ुद भी भजन गीत गाने के शौकीन हैं। घर में रेडियो पर क्लासिकल संगीत बजता रहता था, गीत बजते रहते थे। तो संगीत की स्वर लहरियाँ इस तरह से हम सभी के दिलो दिमाग में गूंजती रहती थी। मैं भी गाती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी, या यूँ कह लीजिए कि ईश्वर की यह अनुपम देन है जो मुझे मिली बचपन से। बचपन में मेरा रुझान फिल्मी नगमों की ओर और गज़लों की ओर अधिक था। शुरू में मुझे लता जी के दर्द भरे नगमे बड़े पसंद आते थे। एक गीत मैं गुनगुनाना चाहूँगी। काहे कोयल शोर मचाए रे, मोहे अपना कोई याद आए रे, कह दो कोयल से ना गाए रे, ओ मोरे हृदय में आग लगाए रे। फिर जब मैं कॉलेज में आई, मीन्स बड़ी हुई, तब मेरी पसंद कुछ बदली। मुझे चुलबुले गीत ज़्यादा पसंद आने लगे, जैसे कि गीता दत्त के, आशा जी के। फिर मैं गाना चाहूँगी एक लाइन, ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है, ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। संगीत के प्रति मेरी दीवानगी इस कदर थी कि मेरे भाई साहब ने मुझे एक पॉकेट रेडियो लाकर दिया था, तो मैं एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाऊं या छत पर जाऊं तो भी वो रेडियो मेरे साथ हुआ करता था। फिर जब मैं कॉलेज में आई, तो शौक को ही करियर बनाया जा सकता है ऐसी समझ ना होने की वजह से संगीत रह गया, और फिर इसका मुझे मलाल रहा। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने क्लासिकल की थोड़ी सी तालीम ली, फिर वही बात, प्रायोरिटी न देने की वजह से संगीत को, संगीत पीछे रह गया, रास्ता दूसरा चुन लिया गया। और फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, और अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरी जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो गई है, तो मेरे अंदर फिर से संगीत में ही कुछ करने की ललक पैदा हुई। मुझे लगा कि अगर ईश्वर ने मुझे ये उपहार दिया है तो मुझे ऐसे जाया नहीं करना चाहिए। और एक और ख़ास वजह यह है कि जहाँ मैं अभी रहती हूँ, सूरत, वो संगीत प्रेमियों का शहर है, और यहाँ पर छोटे बड़े सभी तरह के प्रोग्राम होते ही रहते हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पर खुला मैदान है गाने के लिए, तो मैं भी इस मैदान में कूद पड़ी, और इस तरह से मेरे संगीत के सफ़र की शुरुआत हुई। और ईश्वर से दुआ करूँगी कि ये यूँ ही जारी रहे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और इंडियन फनकार के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।